हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चटोराज रसोई। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं बनाना मैंगो और केसर ड्राई फ्रूट्स फालूदा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आइसक्रीम बनाई है। हमने 1 लीटर दूध लिया है, उसे हम सबसे पहले उबाल लेंगे और उसे कंटिन्यूसली चलाते हुए उसे गाढ़ा कर लेंगे। मतलब वो जब 60% गाढ़ा हो जाए तब तक हमें उसे चलाना है। अब हमने यहाँ पर इस दूध में मलाई डाली है। आप इस मलाई की जगह क्रीम, खोया, कुछ भी डाल सकते हैं, बट हम मलाई कुल्फी बना रहे हैं। इसमें मलाई का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम रॉयल टच देती है फालूदा को। तो हमने यहाँ पर मलाई ऐड करके इसको दूध को अच्छे से चला लेना है। आप फालूदा में आइसक्रीम की जगह रबड़ी भी डाल सकते हैं, वो भी इसी तरह से बनेगी। बस आइसक्रीम को हमने जमा दिया है। तो यहाँ पर हमने इसके बाद इसमें चॉप ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और हमने इतनी शुगर इसमें ऐड करी है। शुगर इसमें ऐड कर देते हैं, इसे हम अच्छे से चलाते हैं और इसे 60-50% ही गाढ़ा होने पर हमें इसे गैस को बंद कर देना है और इसे हमें ठंडा करने के लिए रख देना है। ठंडा करने के बाद भी ये थोड़ा और गाढ़ा होगा। तो देखिए, आइसक्रीम थोड़ी और गाढ़ी हो गई है। अब हमें इसे एयर टाइट कंटेनर में ही जमाना है। अगर आप खुले बर्तन में आइसक्रीम को जमाते हैं तो उसमें क्रिस्टल्स आ जाते हैं, वो बर्फ बर्फ होती है, उसमें बीच में आइसक्रीम सॉफ्ट नहीं बनती है। तो ये मेरी एक टिप है, आप आइसक्रीम को एयर टाइट कंटेनर या क्लोज्ड कंटेनर में ही बनाएं। तो हम इसे रेफ्रिजरेट कर देते हैं और अगले दिन हम इसे यूज़ करेंगे। तो अगर आपके घर कोई गेस्ट आने वाले हों तो आप इसे पहले दिन ही जमा के रख दीजिए। तो देखिए, हमारी आइसक्रीम जम चुकी है। मैं इसे प्लेट में निकाल के भी दिखा देती हूँ ये कैसे जमी है। आप इसे डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स डाल के, और आप इसका फालूदा भी बना सकते हैं जो मैं आगे आपको बताऊँगी बनाना। तो अब हम झटपट से फालूदा मिक्स बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने 1 चम्मच बेसिल सीड्स या सब्जा सीड्स एक कटोरी में पानी डाल के भिगो दिए हैं। इसे हम जब तक बाकी तैयारी करेंगे उतने फूल जाएंगे। इसके अलावा जो शुगर सिरप हम डालेंगे फालूदा पर, वो भी मैंने खुद से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने चीनी और पानी बराबर की एक पैन में ले लिया है। इसे हमें मिक्स करना है, अच्छे से बॉईल होने देना है और इसकी चाशनी जैसी बना लेनी है। इसको हमें ठंडा होने रख देना है। इसके ठंडे हो जाने पर इसमें हम कलर डालेंगे, या कलर या आप केसर भी डाल सकते हैं इसमें, और आप इसमें कोई भी अपनी चॉइस का एसेंस डाल सकते हैं। तो आइए अब हम फालूदा बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 चम्मच शुगर ली है। कॉर्नफ्लोर को मैंने एक बाउल में डाला है और शुगर उसमें मिक्स कर दिया है। अब हमें कॉर्नफ्लोर से 2.5 गुना पानी इसमें धीरे धीरे ऐड करना है और इसे मिक्स करते जाना है। हमारी चीनी डालने से फालूदा फीका नहीं बनेगा, इसमें थोड़ा मीठापन होगा। इसके अलावा मैंने आइस कोल्ड वाटर बना लिया है यहाँ पर। इसमें हम जब फालूदा पक जाएगा तो हम डायरेक्टली इसमें ही फालूदा बनाएंगे। तो फालूदा हम ऐसी मशीन से बनाएंगे, ये बेसन की सेव बनाने वाली मशीन है, घर में इजीली अवेलेबल होती है। तो अब हमने जो कॉर्नफ्लोर का मिक्स बनाया था उसे हमें एक पैन में डाल देना है। यहाँ पर हमें पकाना है कॉर्नफ्लोर को, ये अच्छे से पकना चाहिए, इसे हमें कंटिन्यूसली चलाना है और जो हमारा फ्लेम है गैस का वो लो होना चाहिए। तो देखिए, धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ट्रांसपेरेंट होने लगा है। तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर हमारा पक चुका है। अब हमें इसे फालूदा बनाने वाली मशीन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और मशीन में ट्रांसफ़र करने के बाद हमें इसे डायरेक्टली, जो हमने आइस कोल्ड वाटर लिया था उसमें हमें इसे डायरेक्टली निकालना है मशीन से। इसे हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, हमें इसे 5-10 मिनट ऐसे ही रहने देना है। ठंडे पानी में थोड़ी फूल जाएंगी और एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी, आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो आइए अब बनाते हैं फालूदा आइसक्रीम। सबसे इंटरेस्टिंग काम करते हैं आज का। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ग्लास ले लिया है और इसमें जो हमने शुगर सिरप बनाया था वो डाला है। हम सबसे पहले यहाँ पर केसर फालूदा बना रहे हैं। इसके बाद मैंने इसमें मिल्क ऐड किया है और जो सब्जा सीड्स भीगे हुए हैं वो इसमें ऐड करें। सब्जा सीड्स पानी पकड़ के रखते हैं, तो आप पानी निचोड़ के ही इसमें ऐड कीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं। अब मैं इसमें आइसक्रीम ऐड कर देती हूँ। 2 क्यूब्स मैंने आइसक्रीम की ऐड कर दी हैं। इसके बाद जो फालूदा देखिए हमने बनाया था वो फूल गया है, कितना बढ़िया हो गया है ये फालूदा। इसमें से पानी में से निकाल के मैं उसे ग्लास में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अब मैं इसकी ड्राई फ्रूट और टूटी फ्रूटी से थोड़ी सी टॉपिंग कर देती हूँ और ऊपर से थोड़ा सा और शुगर सिरप डाल देती हूँ।
तो देखिए, केसर फालूदा एकदम रेडी है। अगर आप शुगर सिरप बनाते समय उसमें रेड कलर और रोज एसेंस डालते तो आप इसी तरह से रोज फालूदा भी बना सकते थे। मैं यहाँ आपको जल्दी से एक और वेरिएशन दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर मैंगो फालूदा भी बनाया है। उसके लिए मैंने थोड़ा सा दूध ग्लास में लिया है और ये मैंगो का थिक पेस्ट मैंने बना के रखा था वो मैंने इस ग्लास में ऐड करा है और इसे थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। इसके बाद सेम तरह से मैंने इसमें सब्जा सीड्स जो भीगे हुए थे वो मैंने ऐड करे हैं और इसे मिक्स कर दिया है। अब हमने इसमें आइसक्रीम डाली है और उसके ऊपर से इसमें हमने डाला है थोड़ा सा और मैंगो पेस्ट और उसके बाद हमने इसमें डाला है फालूदा और इसे मैंगो के चॉप पीसेस से टॉप कर दिया है। इसको हम ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी से थोड़ा और सजा देते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा मैंगो फालूदा भी रेडी है। तो देखिए हमने दोनों फालूदा कितनी आसानी से बना दिए। आप इसे इस समय ज़रूर ट्राई कीजिए, अलग वेरिएशन है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो जल्दी से बनाइए और हमें भी लाइक्स और कमेंट्स करके बताइए आपको ये फालूदा मिक्स कैसा लगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।